श्री राम जय राम जय जय राम। शिव जी पार्वती जी से कह रहे हैं कि पार्वती जी निज भ्रम नहीं समूह जही अज्ञानी प्रभु पर मोह धरही जड़ प्राणी। जो अज्ञानी हैं या जो अज्ञानी व्यक्ति होते हैं निज भ्रम नहीं समझें, अपने भ्रम को नहीं समझते और प्रभु पर मोह धरें जड़ प्राणी, ऐसे जो मूर्ख प्राणी हैं वे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी पर दोषारोपण करते हैं, आरोप लगाते हैं कि नहीं ये राम ब्रह्म नहीं है। शिव जी कह रहे हैं कि पार्वती जी कि जथा गगन घन पटल निहारी अझाप्यू भानु कहाही कुविचारी। जो कुविचारी हैं, कुत्सित विचार वाले अज्ञानी, वे लोग आकाश की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया, यद्यपि बादल सूर्य को नहीं ढक सकते। सूर्य का आकार बहुत बड़ा है और बादल छोटे टुकड़े में होते हैं। होता क्या है कि हम उन बादलों की उससे सूर्य को नहीं देख पाते और हमको ऐसा लगता है कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। यद्यपि ऐसा नहीं होता, बादल सूर्य को नहीं ढक पाते। चितव जलोचने अंगुलिलाए प्रगट जुगल शशि तेहि के भाए। शिव जी कह रहे हैं पार्वती जी देखो, नेत्र में ऐसे उंगली लगा दीजिए, उंगली से थोड़ा मल दीजिए और उसके बाद चंद्रमा को देखिए, तो उस समय चंद्रमा दो दिखाई देते हैं। जब उंगली से आंख को मल दिए और फिर चंद्रमा को देखते हैं तो चंद्रमा दो दिखाई देते हैं। क्या चंद्रमा दो हैं? ऐसा नहीं है, चंद्रमा एक ही है, लेकिन हम अपनी आंख को उंगली से मल दिए हैं इसलिए हमको चंद्रमा दो दिखाई देते हैं। उमा राम बिस इक अशमोहा नभ तम धूम धूरी जिमिसोहा। हे उमा, पार्वती जी इसी प्रकार से जो विषयी लोग हैं वे मोहवश आकाश को धूल धूसरित कहते हैं, आकाश एकदम स्वच्छ है, निर्मल है,
आकाश में एक कण भी धूल का नहीं है, बिल्कुल निर्मल है। लेकिन विषयी मोहवश कहते हैं कि आकाश धूल धूसरित है। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। तो जिस प्रकार से आकाश धूल से रहित है, स्वच्छ है, निर्मल है, उसी प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी एकदम परब्रह्म परमात्मा है। देखिए, जो विषय हैं, इंद्रियां और इंद्रियों के देवता, और ये जीवात्मा एक दूसरे की सहायता से सब सचेता अर्थात चेतन रहते हैं, और उनको भी चेतन करने वाले सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। इन सबको प्रकाशित करने वाले वही मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्या के पति श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश प्रकाशक रामु, मायाधीश ज्ञान गुण धामु। जगत को प्रकाशित करने वाले वे प्रकाशक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, मायाधीश माया के अधिपति हैं, माया के पति हैं, और ज्ञान गुण के तो वे धाम हैं, भंडार हैं। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। जिन परब्रह्म परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की सत्यता से ही ये जड़ माया भी सत्य जैसी प्रकाशित होती है, मोह सहाया, मोह की सहायता से ये जो जड़ माया है ये भी प्रकाशित होती है उन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की कृपा से। रजत सीप महु भास जिमी, अजथा भानु करिवारी, अजदपि मृषाते हूँ काल सुई, भ्रमन सकई को उटारी। देखिए, तुलसीदास जी कह रहे हैं, इधर शिव जी पार्वती जी से कह रहे हैं कि जैसे रजत सीप महु भास जिम, जैसे सीप में चांदी और सूर्य की किरणों में पानी ऐसा भासता है, ऐसा दिखता है,
यद्यपि मृषा तिहु काल सुय, यद्यपि ये तीनों कालों में मिथ्या है लेकिन फिर भी ऐसा दिखता है, तो भ्रम न सकई को टार, इस भ्रम को कोई टार नहीं सकता, मिटा नहीं सकता। ठीक इसी प्रकार से ही पार्वती जी एही विधि जग हरी आश्रित रहाई, जदपि असत्य देत दुख आहाई। इस प्रकार से ये संसार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के ही आश्रित है। यद्यपि यह असत्य है, ये संसार मिथ्या है, असत्य है, लेकिन फिर भी देत दुख आहाई, दुख तो देता ही है। किस प्रकार से देता है तो बतला रहे हैं शिव जी पार्वती जी से कि जो सपने सिर काटे कोई, कोई व्यक्ति जैसे मान लीजिए कि आप पलंग पर आराम से सो रहे हैं और फिर स्वप्न देखने लगे कि आप बहुत बड़े राजा हैं और तब तक किसी दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी और चढ़ाई में आप देखते हैं कि मैं तो हार गया, मेरे को अमुक राजा ने बंदी बना लिया और उसने मेरा सिर काटने के लिए आदेश दे दिया। अब ये तलवार लिए मेरे पास खड़ा है, यद्यपि मैं स्वप्न देख रहा हूं लेकिन बहुत भय लग रहा है, बहुत डर लग रहा है कि अब मेरा सिर काट लेंगे। बिनु जागे दुख बिनु जागे न दूरी दुख होई, जब तक निद्रा नहीं टूटती तब तक वे भय वे डर वे दुख दूर नहीं होता। ठीक इसी प्रकार से जब तक हम इस माया रूपी संसार में और मोह रूपी रात्रि में सो रहे हैं तब तक हम भयभीत ही रहेंगे, जब हम इससे जागेंगे तो जागने पर जैसे स्वप्न में सिर का काटने का दुख दूर हो जाता है, ठीक इसी प्रकार से जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की शरण में चला जाता है उसका उसके सारे दुख कष्ट सब दूर हो जाते हैं, उनको नरक का भी भय नहीं रहता, क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं, जो रामचंद्र जी के भक्त होते हैं, उनको तो नरक की कोई कल्पना ही नहीं होती। जा सुकृपा असे भ्रम मिटी जाई, गिरी जा सोई कृपाल रघुराई। हे पार्वती जी, जिसकी कृपा से ये भ्रम मिट जाए या मिट जाता है,
वही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी कृपालु हैं। आदि अंत को जासु निपावा मति अनुमानी निगम अशिगावा। जिनका कोई न तो आदि जाना न अंत जाना, आज तक आदि और अंत पाया ही नहीं। वेदों ने अपनी मति के अनुसार उनके गुणों के उनकी लीला का गान किया है। बिनु पद चलाई सुनई बिनु काना कर बिनु करम करई विधि नाना। विपर ब्रह्म परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी परब्रह्म है। बिनुपद चले, बिना पैरों से भी चलते हैं। सुनई बिनु काना, बिना कानों से भी श्रवण करते हैं। बिना हाथों से सभी कर्म अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। आनन रहित सकल रस भोगी बिनु बानी बक ताबड़ जोगी। आनन रहित मुख के बिना भी वे छहों रसों का भोग करते हैं। और बिना वाणी के ही वे बहुत बड़े वक्ता भी हैं। तन बिनु परस नयन बिनु देखा ग्रह घ्राण बिनु बास असेखा। बिना शरीर के वे स्पर्श का अनुभव करते हैं और बिना नेत्रों के सबको देखते हैं। बिना घ्राण नासिका के वे सब सूंघते हैं, सभी गंध को ग्रहण करते हैं। असी सब भांति अलौकिक करनी महिमा जासु जाई नहीं बरनी। इस प्रकार से हर प्रकार से उनकी जो करनी है अलौकिक है। जैसे लोक में संसार में यदि नेत्र नहीं है तो व्यक्ति देख नहीं सकता, लेकिन वे बिना नेत्रों से भी देखते हैं, बिना कानों से भी सुनते हैं, बिना पैरों से भी चलते हैं। तो उनकी जो करनी है सब प्रकार से अलौकिक है। जिसकी महिमा जिनकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। जे ही इमिगा वही वेद बुध अजाही धरही मुनि ध्यान सोई दशरथ सुत भगत हित कोसलपति भगवान। बुद्ध पंडित जन विद्वान जन जिनका गान करते हैं, वेद में जिनका गान करते हैं, वेद भी जिनका गान करते हैं,
और मुनि जिनका ध्यान करते हैं। सोई दशरथ सुत भगत है, वही दशरथ के पुत्र भक्तों के हित के लिए कौशलपति भगवान, कौशल अर्थात अयोध्यापुरी के पति भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हैं, वही राम है। इसलिए पार्वती जी किसी प्रकार की कोई शंका संदेह नहीं कीजिए और भ्रम को त्याग करके उनके चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करके उनकी लीला का श्रवण कीजिए। आगे की कथा अगले वीडियो में आप लोग श्रवण करेंगे। आइए एक बार राम नाम ले लेते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और नित्य रामायण श्रवण करने के लिए अधिक से अधिक व्यक्तियों को, अपने मित्रों को चैनल से जोड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें।